आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साविका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबर की ओर। फरीदाबाद ग्रीन फील्ड कॉलोनी में दो दिन पहले घरेलू काम के लिए रखी थी नौकरानी, ले उड़ी 50 लाख के जेवर, पुलिस को दी गई जानकारी। इसकी सूचना मिलने पर कॉलोनी वासी आ गए। सूचना मिलने पर DCP NIT कुलदीप सिंह, ACP मोनिका, सूरजकुंड थाना प्रभारी सहित क्राइम ब्रांच की टीमें पहुंची। मामले की जांच की जा रही है। घर के बाहर लगे CCTV कैमरों में आरोपितों की फोटो आ गई है, वे पुलिस को सौंपती है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। फरीदाबाद ग्रीन फील्ड कॉलोनी में कई महीनों से बंद फ्लैटों की रजिस्ट्री इस हफ्ते के अंत में शुरू हो जाएगी। फरीदाबाद केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज सुबह 9 बजे सेक्टर 31 में स्थित निर्माणाधीन इंडोर स्टेडियम उसके प्रांगण में पौधरोपण किया। ये खबर यूपी के अलीगढ़ पुलिस स्वाट टीम और साइबर सेल ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 6 करोड़ नकदी सहित अन्य सामान बरामद हुए हैं। यूपी गाजियाबाद में कांवड़ियों की तरफ से शराब के एक दुकान में तोड़फोड़ किए जाने का मामला सामने आया है। ये घटना ओम मार्केट में हुई, जहां कांवड़ियों को उन्हें शराब का ठेका खुला मिल गया। कांवड़ मार्ग पर ठेका खुला होने का विरोध कर कांवड़ियों ने पर्दा गिरा दिया, काउंटर पर लगा शीशा तोड़ दिया। झारखंड में बड़ा रेल हादसा। झारखंड के चक्रधरपुर में हावड़ा से मुंबई जा रही 12810 हावड़ा CSMT मेल हादसे का शिकार हो गई है। ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। इस हादसे में 2 यात्रियों की मौत हुई है, वहीं 150 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दिल्ली के फ्लाईओवरों की जल्द मरम्मत होगी, इससे फ्लाईओवर में लगने वाले ट्रैफिक की झंझट से राहत मिल सकेगा। लोक निर्माण विभाग फ्लाईओवरों की मरम्मत को लेकर योजना पर काम कर रहा है। राजधानी में PWD के पास 100 से अधिक फ्लाईओवर हैं। सबसे पहले ज्यादा जरूरत वाले फ्लाईओवरों की मरम्मत कराई जाएगी। पहले चरण में करीब 24 फ्लाईओवर दुरुस्त किए जाएंगे। मुआवजा लेने के बाद किसानों के मन में फिर आया लालच, कर दिया बड़ा कांड। मुआवजा लेने के बाद किसानों के मन में फिर आया लालच। यमुना विकास प्राधिकरण ने 9 गांवों में खरीदी जमीन का दाखिल खारिज कराने की तैयारी कर ली है। ये जमीन काफी समय पहले खरीदी गई थी, जिसका किसानों को मुआवजा भी दिया जा चुका है, लेकिन रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज न होने से किसान जमीन का प्रयोग कर रहे हैं। कई किसानों ने तो प्राधिकरण की जमीन पर लोन भी ले लिया है, वहीं कई जगहों पर जमीन बेचने की भी शिकायतें मिल रही हैं। ग्रेटर नोएडा के थाना दादरी क्षेत्र में मंडी इंस्पेक्टर पर हमला करने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने मंडी इंस्पेक्टर को ऑफिस के अंदर ही पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। घटना के बाद पीड़ित ने घटना की शिकायत पुलिस से की और हत्या करने का डर भी बताया है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। गाली गलौज का विरोध करने पर पीटा और जल्द होगी गिरफ्तारी। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में एक अमेरिकन महिला जंगल में पेड़ से बंधी मिली। उसने 40 दिनों से खाना भी नहीं खाया था। पुलिस ने महिला को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल महिला कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं है।